हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं मनी प्लांट के पौधे की। मनी प्लांट हमारे लिए बहुत ही अच्छा उन्नति को बढ़ाने वाला पौधा है। इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और इसे आप हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा गणेश जी की होती है जो सभी विघ्नों का नाश करते हैं और ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिशा में रखने से मनी प्लांट को अगर तुम इस दिशा में रखोगे तो कभी धन की हानि नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो बाहर का वातावरण होता है, तेज़ धूप होती है, उससे क्या होता है, मनी प्लांट सूख जाता है और जब मनी प्लांट सूख जाता है तो आर्थिक हानि होती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को लगाने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि पौधा किस दिशा में लगाना है, इसकी बेल नीचे तो नहीं जा रही कहीं, अगर इसकी बेल नीचे जाती है तो वो सही नहीं होती। हमेशा मनी प्लांट की बेल को ऊपर की ओर जाना चाहिए, जितनी ऊपर जाएगी आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होती है। क्योंकि अगर जब ये नीचे जाती है तो कहते नहीं कि मनी प्लांट का जो संबंध होता है वो शुक्र से होता है और शुक्र ग्रह सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर मनी प्लांट का आप किसी को गिफ्ट में कर देते हो या किसी को दे देते हो तो क्या होता है, फिर शुक्र ग्रह नाराज़ हो जाते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए मनी प्लांट को किसी को नहीं देना चाहिए और ये मनी प्लांट को सीधे धूप में ना रखें, क्योंकि इसे धूप में रखने से इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और जब पत्ते पीले पड़ते हैं तो वो भी सही नहीं होते हैं। जैसे आपको पीले पत्ते दिखें तो आप उसे तुरंत तोड़ दें, क्योंकि पीले पत्ते होना सही नहीं है। और इसमें आप गोबर की खाद दे सकते हो, कंपोस्ट खाद भी ला सकते हो, चाहे तो आप इसे बोतल में भी लगा सकते हो तोड़ के। अगर बोतल में आप अपने घर में लगाओगे तो घर की शोभा बढ़ाता है, लेकिन बोतल का भी पानी आपको 15 दिन के अंदर बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं बदलोगे तो उसकी जड़ गलने लगती है। इसलिए आपको 15 दिन के बोतल का पानी ज़रूर बदलना चाहिए। और मनी प्लांट को हमेशा बड़े गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे गमले में उतनी ग्रो नहीं करता है वो। जितना बड़ा गमला होगा उतनी अच्छी इसकी ये जो फैलती है शाखाएँ होंगी और उतना अच्छा फैलेगा। जितना अच्छा होगा उतनी अपनी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और लेकिन इसे गलत दिशा में लगाने से बचें, क्योंकि गलत दिशा में लगाओगे तो इसे आर्थिक हानि होती है। मैंने भी आपको बताया इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं, तो इसे आपको दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए जिससे आर्थिक उन्नति हो। और इसलिए इसको आप अच्छी तरह अपने घर में लगाइए और इसके लगाने से देखिए कितने चमत्कार मिलता है आपको और कितना ये घर के लिए उपयोगी है आर्थिक स्थिति सही करने के लिए। तभी तो इसको धन का पौधा, मनी का पौधा कहा गया है। तो इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।